हज यात्रेनिमित्त विमानाचं तिकीट वाढले, तिकीट कमी करण्यासाठी हज यात्रेकरूंचे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांना साकडे। हजला जाण्यासाठी मराठवाड्यातून तब्बल 17 ते 18 हजार यात्रेकरू विमानाने प्रवास करतात, मात्र हवाई दलाकडून 14 हजारांवरून चक्क 84 हजार तिकीट भाडं वाढल्याने हज यात्रेकरू आर्थिक अडचणीत सापडलेत। दर कमी करावा यासाठी बीडच्या यात्रेकरूंनी भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन साकडे घातला आहे। दरम्यान पंकजा मुंडेंनी देखील याबाबत केंद्रीय हवाई मंत्र्यांना बोलून तोडगा काढू असं आश्वासन दिलंय। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचं हज यात्रेकरूंसोबत अनोखे बांध होते, त्याचप्रमाणे माझंही तितकंच प्रेम आहे, त्यामुळे तुमच्या आश्वासनाची पूर्तता करेन असा विश्वास पंकजा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केलाय। पेट्रोल या डीजल जो भी उनको लगता है फ्यूल, वो उन्होंने रखा नहीं है सब, मतलब उसका उन्होंने स्टोर करके नहीं रखा है, और उसकी वजह से बहुत फ्लाइट कैंसिल हो गए गो एयर के वगैरह, तो उनको बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो नहीं गया, तो ये एक मसला है। दूसरा ये है कि ये एयरलाइन ने टिकट बढ़ाया है मेरे ख्याल से, कि हज कमेटी ने जो प्रपोजल आपसे भरवाया था उधर से भरा है, ये भी मुझे थोड़ा जानकारी करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, मैं खुद स्मृति से तो मैं बात करूंगी ही करूंगी, मैं खुद प्रधानमंत्री के पीएमओ से बात करूंगी, क्योंकि 1500 लोग शायद करीब करीब मेरे मराठवाड़े से जाएंगे, और वो दो जो आपको आपने दिए हैं आपने दोनों लोकेशन में से आपको या तो बम्बई मिले या फिर यहाँ थोड़ा सा दिलासा मिले, तो आपका कुछ 14 हजार का डिफरेंस था, 14 का 20 हो गया फिर भी ठीक है, पर 14 का 88 हो रहा है, ये तो किसी भी गरीब आदमी के लिए जो पैसा एक एक जोड़ जोड़ के हज को जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। किसी के लिए कोई भी अच्छे आदमी जो कमाता भी है अच्छा घर में, तो भी एकदम से 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा तो उसके लिए भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी बीड।